I'll tell you what, Sachin, how your dress like आप next election में खड़े होने वाले हैं। As usual, engineer कुछ भी कर सकता है engineering छोड़ के। सचिन वो saying कि उसके 400 व्यू थे, मेरे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 50 व्यू, जिसमें 25 मेरे खुद के थे। देखिए, अगर आपके पास एक स्किल है तो आप पैसा कमा सकते हो। डिग्री सब कुछ नहीं होता। जब आपको जंप मारने से डर लगे, वही मोमेंट है जंप मारने का। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऋतिक रोशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगे। माँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। माँ जादू की शक्ति बना लेंगे। और इट्स सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। विश यू अ वेरी वेरी I don't know. Okay, on the radio show, you're listening to me on the in the afternoon. So very good afternoon. On Facebook, I don't know when you're watching us, when you're watching me. So thank you so much for giving us your time. Now, listen, jaisa main pehle aapko bol raha tha, this guy, let me just, before I introduce him, let me give you some stats, you know, makes it better. This guy has about 13 million YouTube subscribers. Precisely 13.5. Precisely 13.5. He knows his figures. 670,000 followers on Instagram. And you would know him. You've seen his videos. Mr. Arvind Arora, thank you so much for joining us. And along with Arvind Arora, I'm guessing you're also his friend, is somebody who has that YouTube channel, Sachin Sir Physics. Check that out if you haven't checked it out. Mr. Sachin in the studio. It's very... स्कूल कॉलेज की बातें याद आ रही है। I've got a physics teacher and I've got a chemistry teacher sitting right in front of me. Little inconfident that way, क्योंकि chemistry and physics were never subjects I could gather my head around. So first of all, thank you so much. आप पहली बार कोई रेडियो स्टेशन आ रहे हैं? इससे पहले आ चुके हैं? मैं जा चुका हूँ। अच्छा जी, सचिन जी आपका पहला है? फर्स्ट टाइम पहला है आपका। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसी वजह से चल रहा है, सब ठीक है। सचिन इज एक्चुअली ड्रेस लाइक I'll tell you what, Sachin, how your dress like आप next election में खड़े होने वाले हैं। They wear that. ये दोनों का target भी election में जाने ही वाले हैं। Sachin is dressed like that, very decently. He's that guy. किसी पॉलिटिशियन के किसी बेटे को लॉन्च करना है आप वैसे दिखते भी है सचिन भाई। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग टू आवर रेडियो स्टेशन। यार मुझे जर्नी जानी पड़ेगी, बिकॉज यू गाइस आर टीचर्स राइट, एंड देन यू कम ऑन टू यूट्यूब। मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था अरविंद भाई, तो आपका एक तो आप ए टू मोटिवेशन नाम है, लेकिन इट्स नॉट ओनली मोटिवेशनल कॉन्टेंट। आई डोंट नो वॉट टू से इन वन वर्ड वॉट योर चैनल कॉन्टेंट इज। यू ऑल्सो कवर something which is happening in and around us, you know, general knowledge भी ask क्या हो रहा है, explain भी करते हैं और motivational content भी है। So what is, how do I explain your content? Actually, motivation में generally लोग लेते हैं कि जो हमें internally motivate करे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप physically अपने आप को boost करो, mentally boost करो, आपका knowledge increase हो रहा है, हर तरीके से आप motivate होते हो। तो हम लोग कोई भी कंटेंट ऐसा छोड़ते नहीं, हमारा कोई जोनर है ही नहीं एक्चुअली। हम लोग बस नेगेटिव चीजों को यू नो स्प्रेड आउट नहीं करते, पॉजिटिव जो भी फैक्ट्स होंगे, पॉजिटिव जो भी मोटिवेशन की चीजें होंगी वो हम लोग बताते हैं। अच्छा, तो ये कैसा सीन था? पहले केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, देन यू लेफ्ट योर जॉब एज अ केमिस्ट्री टीचर, देन यू थॉट आई शुड कम टू यूट्यूब, एंड हाउ डिड दिस होल थिंग हैपन? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जब कॉलेज से पास आउट हुआ, तो मैं केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाता था। अच्छा, मैं पढ़ा था। आप क्या पढ़े थे वैसे? इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एज यूजुअल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है इंजीनियरिंग छोड़ के। इन दैट केस मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जिसमें गेट के सब्जेक्ट पढ़ाता था मैं जी, ईएमआई मशीन्स ये सब। तो वो 3 साल तक मैंने किया, और उसके बाद इंस्टीट्यूट काफी अच्छा चल गया था। एंटरप्रेन्योरशिप मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 2009 में मैंने पास आउट होते अपना खुद का इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट किया था। और उसके बाद उसको फायदे में मीन्स प्रॉफिट में बेचकर अपने ही फ्रेंड को मैं गुजरात चला गया, वहां से मेरा ऑनलाइन जर्नी शुरू हुआ। तो जब पहले मैंने 6 महीने तक कुछ किया ही नहीं सूरत। आप है राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से। तो मैं राजस्थान छोड़ दिया और गुजरात चला गया। 2014 की बात है, जब गुजरात बहुत ही फैसिनेटिंग स्टेट था। हाँ, है ना। तो लगता था कि गुजरात में ही सब कुछ है। हाँ, तो मैंने एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं वहां पे। और सूरत में मेरा जर्नी, मैंने गुजरात का जर्नी शुरू किया। 6 महीने मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्सप्लोर किया अपने आप को। वो जो 6 महीने थे मेरी लाइफ के सबसे गोल्डन मंथ्स कहता हूं मैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया और मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे लाइफ में करना
करना क्या है. What is this process of exploring oneself? ये क्या process होता है? Actually ना जब आप काम करते हो ना, देखो initially जब कॉलेज से बाहर निकले हो आपको कोई जॉब तो चाहिए, आप कोई भी जॉब पकड़ लेते हो because of peer pressure कि कोई काम, अरे इंजीनियरिंग डिग्री हो गया है कुछ काम नहीं कर रहा है. लेकिन जब आप काम करने लगते हो पैसा तो आ रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन. फिर आपको कभी कभार लगने लगता है, पता है वो सबके साथ होता है, कोई लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर मैंने एडजस्ट कभी नहीं किया, मुझे लगा ये काम करने तो मैं नहीं आया था. इन दैट केस मैंने सोचा कि आई नीड अ ब्रेक, और मैं काफी दिनों से सोच रहा था, तो उसके लिए मैंने हार्डवर्क किया. जैसे मैंने सेल किया अपने इंस्टीट्यूट को, मेरे पास कुछ चंक आ गया था, मैंने सोचा नाउ दिस इज द टाइम जहां पे मुझे ब्रेक लेना चाहिए, सोचना चाहिए, और मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6 महीने के लिए सर्वाइव कर लूंगा. अच्छा, सो मैं बहुत ही लकी मानता हूँ कि मुझे वो टाइम पीरियड मिला स्पेंड करने के लिए अपने आप के साथ. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ को सब अपनी अपनी लाइफ में सबको एटलीस्ट 1-2 महीने ना खुद को ब्रेक देना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप क्या कर सकते हो, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप क्या करना चाहते हो. जैसे अभी आपसे बात कर रहा था, यू वर सेइंग कि मैं वही काम करूं जो मैं करना चाहता था. सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ मिलके. और अब मैं पिछले 3 सालों में वो काम कर रहा हूँ, 3 सालों से मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा. और ये सब जर्नी जो बेसिकली यहाँ तक मैं पहुंचा वो 6 महीने जो मैंने बिताए बिना कुछ काम किए, मैंने कुछ नहीं किया, और वो गोल्डन टाइम पीरियड था मेरे लिए. मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, पैसों के लिए भागा नहीं. तो मुझे समझ में आया कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं चला. अच्छा, ये इस पे बात करेंगे. आप फिजिक्स टीचर हैं, बट देन यूट्यूब पर पढ़ाना, यूट्यूब पर एक चैनल खोलना, ये कैसे था और ये क्यों किया आपने? सचिन, एक्चुअली ये बात होती है 2017-18 उस टाइम जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था. हाँ. इंटरनेट काफी इजिली हो गया था सभी स्टूडेंट्स के लिए. तो जब मैं भी इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं. इंजीनियरिंग छोड़ के, हाँ, उसको छोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं. सो व्हेन आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे लगता था यार फिजिक्स ना सही बच्चों को बहुत डराता है. हाँ. बहुत टफ लगता है. इवन मैं खुद 11th में था तो मुझे क्या टीचर समझाते थे को समझ में आता नहीं था. हाँ, सेम. तो मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा टफ क्यों है, मेरे को लगा कि अब इसको तो यार कुछ भी करके ईजी करना है. मैं पढ़ने लगा, मुझे बड़ा मजा आने लगा. फिर धीरे धीरे 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थोड़ा नाम हो गया. फिर एक अच्छी खासी एक जगह पर इंस्टीट्यूट में मैं जॉब भी करने लगा, काफी अच्छे इनकम भी आते थे. लेकिन फिर ऐसे ही सडनली मैं 1-1.5 साल जॉब करने के बाद, जैसे सर ने कहा कि हम वो फेयर में करते तो है लेकिन आपको आगे का भी बहुत सोचना पड़ता है. तो मुझे लगा यार कब तक ऐसे ही छोटे से कमरे में 50-60 स्टूडेंट के बीच में रह करके आप इतने लोगों को फिजिक्स सिखाओगे, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इंडिया में स्पेशली भारत में गांव में जगह जगह तक फिजिक्स को आप आसान करने के लिए चलो. मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब का कि यूट्यूब पे क्या होता है, मोनेटाइजेशन, चैनल बनाना है नॉल या माइक वगैरह. हाँ. कैमरा, ट्राइपॉड कुछ भी नहीं था मेरे पास, था सिर्फ एक सैमसंग का फोन. अच्छा. मैंने ऐसे ही रैंडमली एक वीडियो बनाया और उसको यूट्यूब पे डाल दिया. फर्स्ट डे 400 व्यूज थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी. यार सचिन एक ही दिन में 400 लोगों तक पहुंच गया. तो मुझे लगा यार ये काम बहुत अच्छा है, अभी इंस्टीट्यूट छोड़ते हैं और पूरी तरीके से यूट्यूब पर शिद्दत से आते हैं. तो जब मैंने यूट्यूब पर अपना स्टार्ट किया वो 400 के बाद में बहुत डिप आया. फिर 3-4-5 महीने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्या कर रहा है, इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दिया. लेकिन तब पैरेलल में अरविंद भैया को देखता था साथ में, ये मेरे लिए आइडल है. अच्छा. तब ये केमिस्ट्री का इनका चैनल था और भी 2-3 टीचर हुआ करते, उनको देखता था. मैं कहा नहीं मजा आ रहा है इसी में कंटिन्यू करेंगे. फिर वो कंटिन्यू करने लगा, मजा आने लगा, चैनल आगे बढ़ गया. फिर साथ में हम लोग मिले, फिर लगा कि यार ये YouTube तो सही है, बच्चों तक फिजिक्स तो पढ़ाना बहुत सही है, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं. तो इसके अलावा फिर वो हम लोग स्किल बेस्ड हमारे जो बात कही थी थोड़ी देर पहले कि आपने तब जो मेहनत की थी उसका फल अभी मिल रहा है. लेकिन जितना हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे कि ये जो मिलियन से 10 मिलियन जो आपका जंप हुआ ये बहुत छोटे टाइम पे हुआ था, राइट? सो ये छोटे टाइम पे इतना बड़ा जंप क्या हुआ, व्हाट वाज दैट थिंग लाइक? 2014 से समझा YouTube क्या होता है, कैसे उसकी जर्नी है. मैंने बहुत डीप एंड डाउन जाके बहुत सारी चीजें सीखी और अपना केमिस्ट्री का चैनल स्टार्ट किया. उसको 4 साल लग गए सिर्फ एक सिल्वर प्ले बटन आने में. तो मेरा पहला तो सिल्वर प्ले बटन था, उसके लिए मुझे 4 साल इंतजार करना पड़ा. सचिन वो सेइंग कि उसके 400 व्यू थे, मेरे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 50 व्यू, जिसमें 25 मेरे खुद के थे. और एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो सारे इंटरनल चीजें सीखी. और तब भी खुश होते थे कि अरे 50 लोगों ने देख लिया, बाद में 25 तो खुद के ही है. सो ये सब चीजें हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग था. लेकिन होता क्या है कि जब आप रेगुलरली मेहनत करते रहते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए ना मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है. ये लोग समझते नहीं है. तो आप जो भी काम करो ना गिव अप मत करो. 4 साल बहुत होते हैं,
चार साल इंतजार करना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी गिव अप कर सकता है, बट मैंने कभी नहीं किया। व्यूज आते ही नहीं थे, फिर भी मैं डाले जा रहा हूँ। ऐसा एसएसपी के साथ भी हुआ होगा पक्का। तो पर चार साल बाद जब बोर्ड एग्जाम्स आए तो हमारे जो वीडियोस थे केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, हमें एकदम से सब्सक्राइबर्स मिले। उसके बाद जब हम लोगों की नजरों में आए, बड़े एटेक कंपनीज हैं उन्होंने हमें कॉल किया, वहां से हम नजरों में आए। मैं इंडिया का पहला एटेक यूट्यूब चैनल होऊंगा जिसने अपना चैनल एटेक कंपनी में मर्ज किया। जिस एटेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है। मैंने अपना जीरो रुपए में खोला हुआ यूट्यूब चैनल किसी कंपनी में मर्ज किया और उसके इक्विटीज मेरे पास है। सो मैंने ये मर्ज एंड एक्विजिशन, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया एजुकेशन में मैंने किया। उसके बाद जब मैंने मर्ज कर दिया तो मैं फिर अपने आप को एक्सप्लोर करने लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मेरे में एक पॉजिटिव पॉइंट था, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, मैं किसी और चीज में टैलेंटेड नहीं हूँ। एक बोलने की कम्युनिकेशन की कला है, मैं किसी को सिंपल भाषा में अपनी बात समझा सकता हूँ, किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मैंने और बुक्स पढ़ी, अपने बोलने की कला पे थोड़ा और काम किया, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्किल। तो अब मैं लाइफ में जब भी सक्सेसफुल हुआ हूं या आगे बढ़ाऊ, दैट इज बिकॉज ऑफ अ स्किल, बोलने की कला। और वही हम लोग कॉन्कर वर्ड के थ्रू लोगों को समझाना और सिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक स्किल है तो आप पैसा कमा सकते हो। डिग्री सब कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने अपना जो मर्ज कर दिया, उसके बाद मैंने A2 मोटिवेशन चैनल ओपन किया। वहां पे मुझे लगता था कि चलो मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं, अपने स्टाइल में बनाते हैं। और उसके बाद यूट्यूब एक बहुत ही फॉर्चुनेट इवेंट हुआ मेरे साथ, उसने मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दिया। टिकटॉक वाले एक्चुअली उस टाइम पे काफी फेमस थे, लेकिन बदनाम भी थे क्योंकि वहां पर कंटेंट बड़ा ही वैसा आता था। सो इन दैट केस उन्होंने बोला कि हमें सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया में बैन हो जाएंगे। सो उन्होंने यूट्यूब में जितने भी एजुकेटर्स थे, जो टॉप एजुकेटर्स थे, फॉर्चुनेटली उसमें मैं भी था, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया दिल्ली। अच्छा, तो हमने तो सोचा कि हम तो यूट्यूबर्स हैं, हमें इज्जत मिलेगी। पर ऐसा था नहीं, हम वहां गए और वहां टिकटॉकर जो एक एक मिनट की वीडियोस बनाते हैं ना, वो स्टेज पर उनको बहुत कुछ मिल रहा है। मैंने कहा यार ये तो गजब ही है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो जब मैं दिल्ली से वापस आया, उसके बाद गोवा गया 3 दिन। मैंने जब भी ब्रेक लिया है ना, मेरा लाइफ चेंज हुआ है। तो गोवा 3 दिन गया, एक्सप्लोर किया, मैं वापस आया, मैंने सोचा कि चलो अब अपन टिकटॉक पे वीडियोस बनाएंगे और अपने स्टाइल में बनाएंगे, मोटिवेशन की बनाएंगे। और मोटिवेशन का जोनर उस टाइम पे टिकटॉक पे इतना था नहीं, क्योंकि वहां पे से लिप सिंक और सिंगिंग और डांसिंग के वीडियोस बनते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज कि 9:16 का वर्टिकल होता है, ऊपर नीचे में मैं वीडियो बनाऊंगा, अपने स्टाइल में बोलूंगा कुछ एक मोटिवेशन चीज और ऊपर उसके वीडियोस चलेंगे। ये जो फॉर्मेट था पहली बार इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया था टिकटॉक में। तो वो टिकटॉक वर्जन मेरा इतना फेमस हो गया कि 6 मंथ्स में 7.2 मिलियन फॉलोवर्स मैंने टिकटॉक में गेन किए, एंड दे हैव इनवाइटेड मी एंड एवरीथिंग। वो सब फैसिलिटेशन हुआ और वो जो मूवमेंट था कि अब हम भी जो आपको दिल्ली में महसूस हुआ था उसका बिल्कुल उल्टा। सो पीपल लिसनिंग टू दिस, बाय द वे, इन केस यू वंडरिंग कि आपकी लाइफ कब चेंज होगी, या तो आपको गोवा जाना है या तो जयपुर जाना है, और ब्रेक बहुत जरूरी है लाइफ में। सो इन केस योर बॉस इज नॉट गिविंग यू अ ब्रेक, इफ योर बॉस वांट्स यू टू वर्क वेल, उनको ये इंटरव्यू सुना दो, आप मुझसे पूछो, शायद अगर इंटरव्यू नहीं सुना पा रहे हो लाइफ में, मैं भेज दूंगा आपको। लेकिन मुझे एक बात आपसे जाननी ये है कि आप लोग जनता को मोटिवेट करते हो, लेकिन आपको कौन मोटिवेट करता है? आई एम श्योर इवन विद सो मेनी मिलियन सब्सक्राइबर्स, आपके कोई वीडियोस होंगे जो आपको लग रहा है यार वीडियो ये अच्छा तो मैंने बोला था, ये क्यों काम नहीं किया, अरे उस वीडियो में ये कैसे काम कर गया, अच्छा ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझाया था लेकिन इसको लोग उतना जिस पे मैंने मेहनत किया लोग उतना इसको वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप लोगों को कौन मोटिवेट करता है? सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बस आपको ये चीज दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है, ये माइंडसेट रखना है कि डरना नहीं है, कोई भी चीज नहीं आता, इट विल टेक टाइम, लेकिन स्लोली स्लोली आपको चीज समझ में आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आज हमारा खुद का एक स्टार्टअप है, विदिन 2.5 मंथ एक अच्छे पोजीशन पर हम लोग हैं। तो शिफ्टिंग फ्रॉम अ टीचर टू यूट्यूबर एंड देन यूट्यूबर टू एंटरप्रेन्योर, ये जर्नी में एक ही चीज कॉमन है, वो ये है हम दोनों को सीखना है, हम लोग रुकते ही नहीं है। कहीं पर भी गलत जाता होता है ना, तो हम लोग दूसरे से बोलते हैं नहीं यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये गलती हुई है, आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे इसको सही कर लेंगे। तो वो लर्निंग वाली जो क्वालिटी है ना, वही चीज आगे लेकर के जाती है। ये बात बहुत सही है, पर मुझे ये जानना है कि आप लोगों को भी तो डाउट्स होते होंगे, है ना? ये डाउट्स तो आपको भी लग रहा होगा कि यार एक चैनल पे सक्सेस पाना एक बात है, एंड अब खुद का स्टार्टअप खोलना एक और बात है। स्टार्टअप अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि उसमें सिर्फ आप दोनों नहीं हो, आपके साथ स्टार्टअप में बहुत लोग काम करेंगे, तो ये हिम्मत कहां से आती है और वहां पर हाउ डू यू टाइड ओवर योर डिसअपॉइंटमेंट्स, वो मुझे जानना है। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट थी कि दाग अच्छे हैं, ऐसे मैं बोलता हूँ डाउट बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, सच में कहता हूँ, अगर आप अपने काम में जो आप काम कर रहे हो, आपको ना जगह जगह पे अगर सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है, तो आप ना रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे चीजों को,
अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मोटिवेशन आपको अपने काम से सबसे ज्यादा मिलता है। मैं कहता हूँ आपको ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है या मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। किसी को आइडल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आइडल खुद बनना है। अपने आप को आइडल बनाओ और अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ कि अपने आप को देखकर बोलो यस ये मेरा आइडल है। तो आपका काम ही एक्चुअली में आपके लिए मोटिवेशन होता है। आप इतना कुछ कर जाओ, वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को मोटिवेट करते जाओ, ऊपर लेकर जाओ और अपने आप को आइडल बनाओ। आई हैव हर्ड दिस वन लाइन अबाउट मोटिवेशन, किसी से सुना था, मुझे पता नहीं किससे सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स वेरी पॉपुलर लाइन, बट किसी ने कहा था कि मोटिवेशन इज लाइक अ बाथ, यू हैव टू टेक इट डेली। सो यूट्यूब पर जो लोग मोटिवेशन वीडियोस कंज्यूम करते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो क्या होता है कि ना, हम लोग कोई चीज या किसी की बातें बहुत अच्छी लग जाती है तो हम फॉलो करते हैं उसको एक दिन दो दिन, लेकिन तीसरे दिन से वो मोटिवेशन हल्का होने लगता है। डू यू अग्री विद दैट कि मोटिवेशन इज समथिंग जो आपको हर दिन किसी ना किसी तरह, अगर आपको कॉन्टेंट कंज्यूम करके मोटिवेशन आ रहा है या खुद किसी भी तरह, एवरी सिंगल डे यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। करेक्ट। एक अभी कल ही मैं एक एथलीट है, हाँ, उसको मैं देख रहा था, एंड व्हाट ही वाज सेइंग, एक वीडियो बना रहा अकेले, हाँ, कोई नहीं था। अच्छा। तो वो क्या दिखा रहा कि देखो अभी मेरे पास कोई नहीं है, यहाँ पे कोई मेरे लिए ताली बजाने वाला नहीं है, फिर भी, और रात को एक बज रहा है, फिर भी मैं अपने गेम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर इस लेवल का आपने डेडिकेशन है ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं। एक्चुअल में आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको हर बार अपने आप पे शक होने लगता है कि मैं सही जा रहा हूं या गलत। आपको अपनी एम पर ही एक वो नहीं होता है कि मैं यही चाहता हूं क्या जिंदगी में, आपको उसी के लिए ब्रेक की जरूरत है, क्या क्या चाहते हो जिंदगी में। लेकिन अरविंद, मोटिवेशन तो वहां भी हो सकता है ना, कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप योर प्रीवियस करियर, जब वहां पे आप वीडियोस बना रहे थे और वीडियोस में आपके शायद अभी जैसे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तब 500 आए होंगे, 600 आए होंगे, आप पहले से लेके सेवंथ वीडियो में सपोज आपका नहीं हुआ होगा या सचिन आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन किसका हुआ होगा ना, कि उनको लगेगा ना कि अरे क्या ये काम करता है, क्या मेरा कॉन्टेंट काम करता है, क्या मैं सच में कैन आई एड वैल्यू थ्रू माई कॉन्टेंट, आप फनी है या किसी भी तरह। तो मोटिवेशन तो वहां भी जरूरत हो सकता है कि जब इंसान को पता है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा है मुझे, तब इंस्टेंटली। उसी का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया भी था, हाँ, कि लाइफ में ना मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत, हाँ, है। आप ये मत सोचो कि यार क्या होगा, अगर आपने आपको अपने आइडिया पे बिलीव है, हाँ, वक्त लगता है हर चीज में, समझ लो। अगर आपको शॉर्ट में कोई चीज बनानी है ना, उसकी नींव पक्की नहीं होगी। मुझे यहां तक जो आप 2-2.5 साल का सक्सेस देखते हैं, उसके लिए मुझे 8 साल का समय लगा है। वो आपकी नींव को पक्की करता है और वो दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेडली काम कर सकते हो, कितने कंसिस्टेंट हो सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर वाला ना हर किसी को हर चीज नहीं बख्शता। पहले वो समझता है कि जिसको मैं वो जो काम दे रहा हूं उसको करने के लायक है भी कि नहीं। अच्छा। उसके लिए आपकी परीक्षा होती है बार बार। जब आप टूट गए और गिवअप कर दिया और वहां से छोड़ दिया, भाई साहब उसके आगे वो कहते हैं ना कि जब आपको जंप मारने से डर लगे, वही मोमेंट है जंप मारने का। अगर आपने उस वक्त जंप नहीं मारा तो आप उसी जगह पे रह जाओगे जिस जगह पे आप थे, और अपने आप से हमेशा यही कहते रहोगे, आई कांट डू दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कूद जाओ। अच्छा। आप एक फिजिक्स टीचर है, आपका एक इमेज है टीचर वाला, कभी लिपसिंग वीडियोस करने का मन किया है आपको? ये करता है, ये बहुत करता है मुझे, और आपके छात्र या छात्री? अच्छा, भाई मैं बता देता हूँ, ये बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता है। अरे वाह, ऋतिक रोशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मुझे देख रहे हैं, पापा पापा स्पेस में, क्या बात है, 93.5 बजाते रहो। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ जादू की शक्ति मुझे मिल गई, माँ मुझे सब दिख रहा है। अच्छा, अरे यार बहुत सही, बहुत सही। How has pandemic been for your respective channels? Pandemic के दौरान did you see a massive growth that time? So actually COVID has worked, unfortunately or fortunately whatever, COVID has worked as a boon for a lot of YouTubers. Correct. Especially आप लोग, pandemic में बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ होगा आप लोगों से? बहुत ज्यादा। पैंडेमिक में मेरे ग्रोथ को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे एक चैनल पे सिल्वर प्ले बटन आने में, जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे वो आती है, उसको 4 साल लगे, लेकिन पिछले 3 सालों में जो पैंडेमिक ईयर चले, हमने 14 प्ले बटन्स हमें यूट्यूब की तरफ से मिले, जिसमें 10 सिल्वर प्ले बटन है, 3 गोल्डन प्ले बटन है और 1 डायमंड प्ले बटन है। 14, और जिसमें से तीन सालों में 11 प्ले बटन हमें यूट्यूब की तरफ से आई है। इतना मैसिव ग्रोथ था,
बिकॉज घर पे मुझे ऐसा पर्सनल लगा कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जैसे ही कोरोना पैंडेमिक का टाइम आया, इन दैट केस लोग घर बैठे, लोगों को लगा कि चलो सीखते हैं, कुछ तो करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्राउड मैसिवली अपना रिचार्ज करवा के मोबाइल का या फिर वाईफाई लगवा के आ गया इंटरनेट पे. तो इतने ज्यादा व्यूज और वहां से मतलब 3 साल में जो मैंने ग्रोथ देखा है ना, दैट इज अनबिलीवेबल. वो मैंने अच्छा लाइफ में कब लगा ऐसा कि अरविंद यू हैव मेड इट, कि सचिन यू हैव मेड इट, ये वाला फील आपको पहले कब आया? एक ये फील मुझे तब आया था जब हम लोग नोएडा गए थे एक एनजीओ स्कूल के ओपनिंग में. अच्छा एक्चुअली ना ये मटेरियलिस्टिक है. हाँ. मतलब अगर मैं हो सकता है आप लोग इसको बोलो कि ये बड़ा मतलब उस वे से बोल रहा है, बट एक्चुअली बहुत अच्छा फील तब आया था जब हमने हमारे एक एनजीओ की मदद से हम लोगों ने अपना एक कॉन्कर वर्ड डिजिटल स्कूल ओपन किया नोएडा में पहला, और वो भी एनजीओ के बच्चों के लिए, और वो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे जो कि जिनकी मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है. पहले हमें लगा हमने सब कर लिया अरेंजमेंट करवाया, टीम जो हमारा बचपन की फाउंडेशन टीम है उन्होंने सारा अरेंजमेंट कराया, हमने उनमें हेल्प करी. शुरू में लगा कि क्या ही होगा, बट जब वहां पर हम लोग पहुंचे तो मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ में दूसरा गोल्डन मोमेंट था जब बच्चों के साथ हमने समय बिताया, छोटे छोटे बच्चे अंडर प्रिविलेज उनके साथ बैठे, तब लगा. मैंने बाबा को बोला भी था उसने कि यार ये है रियल सक्सेस. वो वेयर क्राइंग एट द टाइम, और हम लोग एक दूसरे को देख करके बोल रहे थे कि यार ये मुझे प्यार से बाबा बोलता है, मैं भाईलू बोलता हूँ. तो मैंने बोला यार भाईलू अब यही काम करना है, इंडिया में जितने भी गांव है छोटे छोटे ना उन सब जगह पर कॉन्कर डिजिटल स्कूल होना चाहिए और सारे कोर्सेस इन बच्चों के लिए फ्री करना है. उन बच्चों के चेहरे पर वो स्माइल थी ना, वो स्माइल से हम लोग रोने लग गए थे और हमें लगा यार हम लोग सही डायरेक्शन में. मैं आपकी YouTube चैनल को जितना फॉलो करता हूं, आई सी यू पुट आउट अ लॉट ऑफ वीडियोस. तो इतने वीडियोस एक दिन में डालने का टाइम कहां से आता है? बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल, और आइडियाज भी कहां से आते हैं, ये भी एक सवाल होना चाहिए. हमारे लिए जो हीरोज हैं, मतलब ऐसे तो ऑन कैमरा हम लोग दिख जाते हैं, हाँ. लेकिन जो एक्चुअल हीरोज है ना उसके पीछे, मतलब वो लोग हैं स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो एडिटर, GD ग्राफिक डिजाइनर. तो हमारे पास एक टीम है, एक बंदा होता है जो रात के 1 बजे भी जाग रहा होता है, और वो कहीं पर भी उसको लगता है कि सर ये वाला चीज मोटिवेशन में जा सकता है, तो तुरंत हमारी बिहाइंड द टीम जो होती है वो उसका स्क्रिप्ट लिखना चालू कर देती है, दूसरी टीम उस पर काम करना शुरू कर देती है. स्क्रिप्ट रेडी हो गया तो सर इज रेडी और मी आई एम रेडी, हम सीधा स्टूडियो पहुंचते हैं. रात के 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, अच्छा. हम लोग तैयार होते हैं. तो इस तरीके से हमारे डेली बेसिस पर 3 वीडियोस 4 वीडियोस जाते ही जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग लाइव भी अक्सर वीक में 1-2 कर ही लेते हैं बनास का. तो एक्चुअल क्रेडिट है ना आई थिंक वो बिहाइंड द टीम को जाता है. अभी तो ऑटो पायलट में चला गया सर. हाँ. अच्छा. तो हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड. कितनी बड़ी है वैसे आपकी टीम? बहुत बड़ी, अभी तो कितने 40 मेंबर्स हो गए, 55 प्लस है. तो वॉट इज योर, और आर यू गाइज हु गो विद द फ्लो की अच्छा देखते लाइफ में इसके आगे क्या होगा देखेंगे तब. तो मैं बताता हूँ मेरा लाइफ का प्लान छोटे में बताता हूँ. हाँ. जो इनका प्लान होगा वही प्लान मेरा भी. मैं शादी बोल दिया तो फिर मुश्किल. हाँ. नहीं अबाउट दिस. अच्छा. हाँ. पहला तो मुझे ना, मैं 45 के बाद काम नहीं करना चाहता पैसों के लिए. अच्छा. तो मैं 45 इज द एज जहाँ पे मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ. तो उसमें अब जितना भी समय बचा है तो वो समय मैंने कैलकुलेट कर लिया था, और ये कैलकुलेशन मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा. मैं ऑब्वियसली 70 साल की जिंदगी है यार, सारे 70 साल यही थोड़ी करने आए हैं. अगर 1000 साल की जिंदगी होती तो फिर भी प्लान कर लेते. हाँ. 70 साल जीना है, आधी ज्यादा उम्र निकल गई है, बाकी थोड़ी इसी में निकालनी है. सो इन दैट केस 45 रिटायरमेंट एज होगा. अब जो बचा है उसमें जितना, क्योंकि हमको ज्यादा प्यार मिला है स्टूडेंट से, बहुत प्यार दे और यहाँ तक पहुंचाया उनकी वजह से पहुंचे. सो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, जब हम इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं तो अब टाइम आ गया उनको वापस देने का. अच्छा. इन दैट केस हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए पूरे इंडिया में हमारे कॉन्कर डिजिटल स्कूल्स हों, जहाँ पे वो फ्री में स्किल बेस्ड एजुकेशन ले सके. पहला टारगेट हमारा ये है और उसमें बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं. 2022 में हमने प्लान बनाया कि हम लोग 100 कॉन्कर डिजिटल स्कूल्स ओपन करेंगे, जहाँ पर कोई भी बच्चा आके, अंडर प्रिविलेज बच्चा आके फ्री में पढ़ सकता है. पहला प्लान तो ये है. दूसरा, मुझे एडटेक का बहुत फैसिनेशन है. मैंने बहुत ही क्लोजली टॉप 3 कंपनीज में से 2 कंपनियों के साथ काम किया है, और मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी का पावर क्या है, हमारा लाइफ चेंज करके रख दिया है. मैं उसको और क्लोजली जीना चाहता हूँ, इसलिए हम लोगों ने वो कॉन्कर कंपनी स्टार्ट करी है. और जो हमारी कॉन्कर कंपनी है, कॉन्कर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी को वो एक सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी नहीं है, फिलेंथ्रोपिस्ट कंपनी है. इसीलिए उस कंपनी के थ्रू हम लोग एनजीओ के स्कूल ओपन कर पा रहे हैं. हम चाहते हैं कि वो कॉन्कर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड अगले 5 सालों में यूनिकॉर्न बने.
ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सपना है और मैं ये बोलता हूँ कि हमारा सपना नहीं है. इनफैक्ट मैं अभी अपडेट भी करने वाला था बिकॉज आई रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है ना, मेरा पर्सनल बिलीव है कि आप जो सोचते हो और मानते हो यकीन करते हो वो सच होता है. तो आज ही हम लोग दोनों प्रोफाइल में लिखने वाले हैं कॉन्कर वर्ड यूनिकॉर्न. आज से 5 साल बाद हमारा विजन ये है कि, और उसके पीछे का रीजन इट्स नॉट अबाउट कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है या ये सब. हमारे इस वक्त, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी तो एक मेरा एक दूसरा फ्लैट था छोटा सा, उसी में ऑफिस बना के 2-3 लोगों से हमने शुरू किया था. हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि वहां पर भी लोग हमें मिल गए काम करने के लिए, नहीं तो हाथ जोड़ने पड़ते थे कि आ जाओ कोई तो हमारे साथ काम करो. वहां से टीम बढ़ते 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 आज 55 है. मुझे तो काउंटिंग भी नहीं पता है, बाबा ने बताया कि 55 लोग हो गए हैं. सो हम चाहते हैं कि ये कंपनी ग्रो करे उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास दिखाया हमारी कंपनी में, काम किया, वक्त दिया. हमारे इन्वेस्टर्स, हमने प्रीसीड राउंड क्लोज किया और हमने ये देख के नहीं किया, ये कह के नहीं किया कि हम लोग, उन्होंने हमारे विजन पे विश्वास दिखाया. वो आए कि ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है. हमें लकीली बहुत अच्छे फिलेंथ्रोपिस्ट इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं. हम उन इन्वेस्टर्स को आउटपुट देना चाहते हैं, जो उनकी सोच है उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, उनके बिलीव को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि 5 साल बाद, 5 साल पहले आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, 5 साल बाद ये कंपनी यूनिकॉर्न है. ये बिलीव के साथ हम लोग ये विजन देखते हैं अपने लिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपने तो बोला ही, आपका मैं ऑन कैमरा आपको हाई फाइव देना चाहता हूँ. सो लवली, 5 years down the line, I'll remember. यूनिकॉर्न लिखने वाले हो, ऑल द बेस्ट टू यू. कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी तक जितना अचीव किया है काफी अचीव किया है. एंड थैंक यू सो मच आपकी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, विच मोटिवेट पीपल नॉट ओनली इन स्कूल कॉलेजेस बट ऑल्सो पीपल हु वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक अस. वी विल सी मच मोर ऑफ यू गाइस. और आप बैंगलोर में रहते हो तो काफी बार आना जाना शुरू में करवाएंगे आप लोग. 100% हम आपको ऑफिस भी बुलाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. एंड रेड एफएम 93.5 बजाते रहो. For best entertainment, subscribe to Red FM Bengaluru page. For more updates, press the bell icon.